नमस्कार, ए टू जेड डिशेज उषा कुरजानी में आप सबका स्वागत है। मैंने आपके साथ कई तरह के केक की रेसिपी शेयर की और आप सबने काफ़ी ज़्यादा पसंद भी की है। आज मैंने सोचा, अभी ये वायरल टाको केक चल रहा है, तो मैंने सोचा आज आपके साथ ये भी शेयर कर लेती हूँ। बनाना काफ़ी आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। सबसे पहले ना हम केक बनाएंगे, वो भी कढ़ाई में बिना अंडे के। उसके लिए कढ़ाई में नमक डाल दें, ये मैं बार बार इस्तेमाल करती हूँ ना, इसलिए ऐसा हो गया है। एक रिंग रखकर ढककर इसे 10 मिनट तक धीमी आँच पर गर्म होने देंगे। उसके बाद जिसमें आपको केक बनाना है, कोई स्टील का डब्बा या टिन ले लें। इस पर अच्छे से ऑयल लगाकर बटर पेपर्स के साइज़ का कट करके रख दें और फिर से थोड़ा सा ऑयल लगा लें और इसे साइड में रख दें। अब हम बैटर बनाएंगे। उसके लिए आधा कप तेल, कोई भी फ्लेवरफुल वाला नहीं होना चाहिए, जैसे कि सरसों का हो गया, ऐसा नहीं लेना है। इसके अंदर आधा कप ही दही डाल देनी और इसे अच्छे से तेल और दही को मिक्स करने के बाद एक छन्नी रख देनी और इसमें डालना है एक कप मैदा। जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उसे छान कर ही लेना है। और आधा कप पीसी हुई चीनी, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर और 2 बड़े चम्मच हम इसके अंदर कोको पाउडर डाल देंगे और इन सबको हम अच्छे से छान लेंगे। छानने से क्या होता है, जो केक है ना अच्छा राइज होता है, छोटे बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं वो छानने से निकल जाते हैं, देख सकते हैं इस तरह से। और जितना हो सके सबसे पहले इसे मिक्स कर लें। अब आपको देख सकते हैं कि ये दूध ऐड करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर मैंने 1 कप दूध ले लिया। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो जो दूध है ना वो मैंने उबाल कर बाहर रख कर ही ठंडा कर लिया था, यानी कि रूम टेम्परेचर वाला दूध ही आपको लेना है। और इस तरह से रिबन कंसिस्टेंसी का हो जाए तब तक इसे मिक्स करते जाना है, या तो फिर बैटर के अंदर 8 नंबर लिख के देखें और ये तैयार के टिन के अंदर बैटर को डाल देना है और इसे टैप टैप कर लेना है। अब इसे ये जो गर्म करने रखी थी ना हमने कढ़ाई, उसमें टिन को रख कर ढककर धीमी आंच पर 30 से 35 मिनट तक बेक होने देना है। 5 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी कढ़ाई और गैस के ऊपर। फिर इसे चेक कर ले, बाहर रख कर उसके बाद इसे ठंडा कर लें। ठंडा हो जाए ना उसके बाद ही इसे डीमोल्ड करें। ठंडा हो जाएगा तो अच्छे से डीमोल्ड भी हो जाएगा, और अगर आप गरम गरम निकालते तो ये टूट भी सकता है। तो ये अच्छे से हो गया, बटर पेपर भी निकाल लिया। अब इसकी ऊपर की जो ये पतली लेयर है ना वो आपको निकाल लेनी है, क्योंकि ये ना इससे क्या थोड़ा सा ये हार्ड पार्ट होता है, तो बस हल्की सी निकालेंगे ना तो आप देखिए कि कितना स्पंजी हमारा केक बना है, वो भी बिना अंडे के। अब इसे आप चाहें तो डायरेक्ट नाइफ से भी कट कर सकते हैं, पर टाको केक है तो हम कोई रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि इसी केक में से मुझे 3 लेयर निकालनी है। तो मैं यहाँ पर ये थ्रेड यानी कि धागे का इस्तेमाल कर रही हूँ और उससे मैं कटिंग कर रही हूँ। इससे क्या होता है ना, एक एक जितनी अच्छे से लेयर कट हो जाती है। अब यहाँ पर ना मैंने डार्क कंपाउंड यानी कि डार्क चॉकलेट ले लिया और इसे मेल्ट कर लिया है। अब ये लेयर की जो केक की लेयर है ना, इसकी साइज़ का मैंने बटर पेपर कट कर लिया। इसके ऊपर ये मेल्टेड चॉकलेट हम अच्छे से एक लेयर पूरी लगा लेंगे, पूरा इसे कवर कर लेना है। अब केक की एक लेयर को इस तरह से इसके ऊपर रख कर थोड़ा सा मोड़ना है और इसे एक स्टैंड में रख देना है। आप चाहे तो 2 ग्लास के बीच में से रख सकते हैं और इसे फ्रीज़र में रख देना है तकरीबन बस 5 मिनट तक, ज़्यादा नहीं तो ये चॉकलेट ब्रेक हो सकती है। 3 से 4 मिनट या 5 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं रखिएगा। उसके बाद आप देखें कि ये बटर पेपर है ना उसे आप निकाल लेना है, और निकालने के बाद आप देखें कि ये शेप अच्छे से हो गया है। अब यहाँ पर ना मैंने व्हिपिंग क्रीम को पाइपिंग बैग में डाल दिया था इस तरह से छोटे से फ्लावर्स बनाने के बाद। अभी मैंगो का सीज़न चल रहा है तो मैंने मैंगोस के पीसेस डाल दिए। फिर से व्हिप क्रीम से इसे पूरा कवर करने के बाद थोड़े और मैंगो के पीसेस डालेंगे और थोड़ी सी कलरफुल टूटी फूटी डाल देंगे। आप चाहे तो कोई भी चोको चिप्स, वर्मीसिली, जो आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं टॉपिंग्स। और ये लीजिए, वायरल टाको केक तैयार है। खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है, बच्चों से लेकर बड़ों तक को पसंद आएगा। ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे कमेंट्स बताइए रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।